जो शास्त्र का जो सार को बताया, क्या सार है? बोले तन नाम रूप चरिता दिशुकीर्तना। कहते भगवान का नाम रूप गुण लीला को कीर्तन करनी चाहिए। केवल कीर्तन नहीं, बोले सुकीर्तनानु, अच्छे तरह से कीर्तन करनी चाहिए। इसलिए पहला जो शब्द आया है, हमारी निष्ठा किसमें होनी चाहिए? मतलब भगवान का नाम में सबसे पहले निष्ठा हमारी होनी चाहिए। इसलिए गत मिल हम लोग श्रवण कर रहे थे हरि नाम जीव का, कितने तरह से ये हरि नाम जीव का कल्याण करता है। कहते श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते जैव धर्म ग्रंथ में वहाँ पर प्रश्न और उत्तर इसी के माध्यम करके उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने बताई। आज ये बात को आज हम श्रवण करेंगे। श्री बाबा जी महाराज को प्रश्न करते हैं, कहते जो हम हरिनाम कीर्तन करते हैं, कहते ये हरिनाम तो अक्षर है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते तो हरे कृष्ण का अक्षर है, लेकिन इसको बताया शास्त्र में जो भगवान का नाम ये चिन्ह है, ये साधारण नहीं है, ये चिन्मय ही भगवान का नाम। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, जैसे हम लोग अ आ ई लिखते हैं, उसी तरह ये हरे कृष्ण भी, हरे कृष्ण ये चिन्मय कैसे हो गया? वो प्रश्न करते हैं, जब भगवान का नाम चिन्मय अप्राकृत कैसे हुआ है? तो उन्होंने पुराण से एक श्लोक कोटेशन करके कहते हैं, नहीं, यद्यपि ऊपर से दिखता है ये साधारण अक्षर है, ये साधारण अक्षर है, लेकिन ये साधारण अक्षर नहीं। इसलिए पुराण को बताए, बोले नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण श्रोत नित्य मुग अभिन्नत्वात् नाम नामिनी। कहते इस श्लोक में भगवान और उनका नाम का महिमा दिखा रहे हैं। बोले भगवान का जो नाम है ये नाम नहीं, ये चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या? बोले हरिनाम से आप जो कुछ मांगोगे ये हरिनाम सब कुछ ये प्रदान करेगा। ऐसे कोई चीज नहीं जो ये हरिनाम नहीं दे सकते। ये प्राकृत अप्राकृत सब वस्तुओं को ये हरिनाम पूरी करते हैं, सारी इच्छाओं को ये पूरी करते हैं। इसलिए इसका नाम नाम चिंतामणि। और कृष्ण बोले भगवान का जो नाम है ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण जैसे हम और हमारे नाम में फर्क है। अगर कोई बाहर अगर हमें पुकारे हम क्या पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान का जो नाम है, जैसे द्रौपदी ने कहा हस्तिनापुर में उन्होंने भगवान को पुकारे और भगवान कहाँ पर थे? द्वारका में। और उन्होंने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण स्वयं वहाँ पर प्रकट होकर के कृष्ण उनको वस्त्र प्रदान किया है। इसलिए कहते कृष्ण और कृष्ण का नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण, तथा भगवान का नाम चैतन्य। चैतन्य मतलब क्या है? वो चेतनता स्वरूप है, वो जड़ नहीं। भगवान का नाम जड़ वस्तु नहीं, ये साक्षात चेतनता स्वरूप भगवान का नाम ही चैतन्य। रस विग्रह, रस विग्रह का मतलब भगवान का जो नाम ही ये संपूर्ण रस स्वरूप है। जितने भी दिखता है हरे कृष्ण लेकिन ये अक्षर रूप में तो दिखता है, लेकिन जो भगवान का नाम है जितने सारे रस इसी में ही सारे रस है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता है, इतने सुंदर कृष्ण नाम और ये कृष्ण नाम को लेने के लिए केवल एक ही जीवा क्यों दे दिया है? एक जीवा क्यों दे दिया हमें? करोड़ों जीवा क्यों नहीं ले दिया?
तो ही दान क्यों दे दिया है, अद्भुत अद्भुत दान क्यों नहीं दे दिया। तब जब हृदय में ये भगवान का नाम जब हृदय में प्रवेश करता है, ऐसे लगता है जैसे रस की धारा जैसे बरस रही, रस की धारा जैसे हृदय में बरस रही। इसलिए जो भगवान का जो नाम है यदि ये रस स्वरूप है, इसलिए महाप्रभु बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। लेकिन अभी तक हमें रस स्वरूप लग ही नहीं रहा है, दूसरे चीज होना हमारा तो मन लग जाते हैं, लेकिन बोले थोड़ी सी हरि नाम पर मन नहीं लगता है हरिनाम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बताए बोले देखो भगवान का जो नाम है तद मधुरम मधुरम नितर मंगला मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्स्वरूप सक्री दपि परिणितम श्रद्धया निलयवा भृगुवर नर मात्र तारे कृष्ण नाम। बोले भगवान का जो नाम है यदि मधुर से भी मधुर मीठा से भी मीठा है, और ये मंगल से भी मंगल भगवान का ये नाम है। जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़ है यदि भगवान का ये नाम है। लेकिन भगवान का नाम तो मीठे से भी मीठे, लेकिन अभी हमें मीठा क्यों नहीं लग रहा है, हमें दुनिया की बात हमें तो मीठा लगता है, लेकिन भगवान का नाम है हमें अभी मीठा लग नहीं रहा। बोले क्यों नहीं लग रहा है, बोले कारण है हमारी पूर्व जन्म का हमारी पाप, पूर्व जन्म के हमारी अपराध है, ये पाप है, इसलिए भगवान का नाम अभी हमें मीठा नहीं लग रहा है। बोले फिर क्या करनी चाहिए, अगर मीठा नहीं लगे इसलिए नाम छोड़ दो, नाम मत करो। बोले नहीं, तब रूप गोस्वामी उदाहरण देकर के समझाते हैं जैसे मिश्री तो मीठा है, मिश्री आप लोग मिश्री खाए हो लोग और पर मिश्री खाए खाए हो, मिश्री मीठा ना कड़वा है बता मीठा है, लेकिन ये मिश्री किस किस को कड़वा भी लगता है। बोले किसको कड़वा लगता है, जिसको जैंडिस हो जाए ना, जिसको पीलिया की रोग हो जाए, देखना वो जो कुछ खाएगा उसको सबके सब कड़वा ही कड़वा लगेगा। लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं, बोले देखो बेटा ये मिश्री तब मीठा लेकिन तेरे को अभी मीठा नहीं लगेगा, तुमको ये कड़वा लगेगा, लेकिन लगने पर भी ये मिश्री को चूसते रहना, और चूसते चूसते धीरे 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 तुम्हारी ये बीमारी धीरे धीरे तुम्हारी सही होते जाएगी, और जितने तुम्हारी ये बीमारी सही होते जाएगी ये मिश्री तुमको उतना ही मीठा लगने लग जाएगी। फिर तो इतने मीठा लगने लग जाएगी मिश्री तक तो छूटेगा नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अभी क्या करनी चाहिए, हरिनाम हमें अच्छा नहीं लगने पर भी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अनुदीना जना तब नाम गाय कृपते कृपाय तब अपराध जावे नामे रुचि हवे आस्वादी व नामासव। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्या करो, बोले मन नहीं लगने पर भी माला को लेकर के जोर जबरदस्ती बैठो, माला को लेकर के जोर जबरदस्ती बैठो, बैठ करके क्या करोगे आदर पूर्वक, आदर मतलब हृदय से श्रद्धा को साथ में भावना को साथ में क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम करो, श्रद्धा पूर्वक करो। यदि ये करते करते क्या होगा, बोले अनुदिन जना तब नाम गाए, जितने श्रद्धा पूर्वक नाम करते रहेंगे उतना हमारे क्या होगा, धीरे 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 हमारे अनर्थ खत्म हो जाए, हमारी अनर्थ अपराध सब खत्म होती जाएगी, और जितने अपराध खत्म होते जाएंगे फिर भगवान का नाम में हमें उतना आनंद आएगा, उतना रुचि आएगी भगवान के नाम में, उतना रुचि आएगी। है तो अभी तक अगर हरिनाम करना है माला खत्म नहीं हो रहा है, ये माला कब खत्म हो गई, हम छटपट 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 लगता है ये माला खत्म कब हो गई, इसलिए रोटी ठंडा हो रही है, खाने का समय हो रहा है,
अभी हमें माला कब खत्म होगा पर चक्कर होता है, लेकिन जब भगवान के नाम में तुम्हें आनंद लगने लग जाएगी, फिर सोचोगे ये घर का जंजाल कब खत्म हो, घर की जंजाल कब खत्म हो, हम बैठ करके थोड़ी सी हरिनाम जप करेंगे, थोड़ी सी हरिनाम करेंगे। बोले क्यों? बोले हरिनाम में इतने आनंद, इतने रस आने लग जाएगा, इतने रस आने लग जाएगा है। इसलिए करते 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 फिर हरिनाम में हमारी रुचि होने लग जाएगी। इसलिए बोले चैतन्य रस विग्रह, बोले पूर्ण, बोले भगवान का नाम क्या है, बोले ये पूर्ण है, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान का नाम, ये परिपूर्ण, बल्कि भगवान का कल जिन्होंने भगवान बताए ना, कल हम सुन रहे थे भगवान सच्ची माँ को बोले माँ कलयुग में मैं और दो अवतार लेने वाला हूँ। अब बताओ तो क्या दो अवतार लेने वाला है? बोले किसको याद है? भगवान बोले कलयुग में माँ और दो अवतार लूंगा, और दो अवतार में तू ही मेरे माँ बन कर क्या हो, बताओ तो क्या क्या करता है, क्या क्या बोला? एक नाम है और एक है विग्रह है। भगवान बोले कलयुग में मैं और दो अवतार लेने वाला हूँ, और उसी समय में भी तू मेरी माँ ही बन करके आओ, एक तो पृथ्वी बन करके आओगी और एक तुम जिह्वा बन करके आओगी, मेरी तुम माँ बन करके आओगी, दोनों अवतार में तो फिर तुम मेरी माँ बनोगी है। इसलिए देखो विग्रह की सेवा भी कहते भगवान और भगवान के नाम भी है, भगवान और भगवत नाम भी ज्यादा कृपा हमारे ऊपर भी कौन करने वाले, चलिए नाम करने वाले। देखो जैसे ठाकुर की सेवा के लिए सवेरे उठ करके बासी कपड़ा छोड़े नहीं, नहाए धोए नहीं, क्या हम ठाकुर घर में प्रवेश करते हैं? नहीं, सवेरे उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके पवित्र होकर के फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। लेकिन भगवान के नाम लेने के लिए सवेरे नींद खुल गई, बिस्तर में बैठे हो, वास माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे नाम करना शुरू कर दे, बोले श्री राधा रमण लाल की। इसलिए भगवत नाम को हम करना हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि भगवान के नाम के लिए कोई पवित्रता की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ठाकुर जी को क्या आधा रात में ठाकुर को जगा सकते हैं? आधी रात में जगा सकते हो? नहीं जगा सकते हो। लेकिन अगर हमारी आधी रात में नींद खुल गई तो क्या करो? माला लेकर बैठ जाओ और हरे कृष्ण नाम करना शुरू कर दो, हरे नाम सुन कर दो। इसलिए भगवान की सेवा के लिए कभी भी सेवा अपराध हो जाती है हमारी, अगर ठीक ठीक से अगर पवित्र होकर के सेवा नहीं करो तो क्या होगा, कभी कभी हमारी सेवा अपराध हो जाती है। लेकिन जो भगवान के नाम के लिए, भगवान के नाम के लिए कोई अपराध नहीं, जैसे तैसे उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय क्या करो, भगवान की नाम को तुम ग्रहण कर सकते हो। इसलिए भगवान के नाम, इसलिए महाप्रभु ने बताए नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरण न का महापुरुष कह रहे हैं, भगवान के नाम अनंत नाम है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता, भगवान सारे शक्ति उन्हें नाम में दे दिए। फिर नियमित स्मरण न का मैंने बताए भगवान की स्मरण नाम लेने के लिए कोई काल की विधान नहीं है। इसलिए जगन्नाथपुरी में जो गोपाल था, जब महाप्रभु शौच क्रिया में जा रहे थे अपना जिह्वा को पकड़ कर रखे थे, गोपाल ने पूछा प्रभु ये जिह्वा को क्यों पकड़ करके रखे हो? बोले ये जो जिह्वा है ना, अभी मैं शौच क्रिया के लिए जा रहा हूँ और ये जिह्वा मार ही नहीं रहा है, ये अभी भी कृष्ण कृष्ण कर रहा है, हैं अभी भी। गोपाल ने कहा प्रभु अगर अंतिम समय में कोई अंतिम सज्जा में कोई लेटा हुआ है, अभी उसका शरीर छोड़ने वाला है, उसी में टाटी पेशाब कर रहा है, बताओ फिर क्या करेगा? क्या हरिनाम फिर नहीं करेगा?
इतना सुनकर के महाप्रभु इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बोले आज से तेरा नाम है गोपाल गुरु। क्या नाम है? गोपाल गुरु तुम्हारा नाम। इसलिए महापुरुष को गुरुता की। इसलिए भगवान के नाम लेने के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं। इसलिए बोले चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध भगवान के नाम शुद्ध अभिन्नत्वात् नाम नामिने भगवान और नाम पे कोई फर्क नहीं। इसलिए भगवत नाम को हम हर समय में भगवत नाम को हम जप कर सकते हैं, उसमें कोई विधान नहीं। अभी पहले प्रश्न करते हैं कि देखिए हरिनाम कैसे करनी चाहिए। बोले हरिनाम करने के लिए तुलसी माला नहीं करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? बोले ये तुलसी माला में हरिनाम करनी चाहिए। बोले क्यों? ये तुलसी माला में क्यों हरिनाम करनी चाहिए? बोले जो तुलसी है, हम कहते हैं ना वृंदा अई तुलसी देव प्रिया अई केशव सजा कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतरी नमो नमः। इसलिए जो तुलसी है ये भगवान कृष्ण की प्रेयसी, अब ये कृष्ण भक्ति को ये देने वाले ये तुलसी है। इसलिए आप जब हर वस्तु की एक शक्ति होता है, वस्तु शक्ति होता है। इसलिए पुराण में बताया जो तुलसी है ना कभी आठ तरह से जीव का कल्याण करता है। कितने तरह से? आठ तरह से। बता सकते हो कैसे कैसे? आठ तरह से कैसे बता? इसलिए कहते कैसे? बोले दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रोता है। मतलब दृष्टा, अगर आप देखना हर हिंदू घर में घर के सामने तुलसी पौधा होता था। बोले क्यों? बोले घर में अगर घर में तुलसी वृक्ष होगा ना, कोई भी आपका देवता घर की उल्टा पुल्टा चीज आपका घर में प्रवेश नहीं करेगी। जब आप घर से जाओगे, अगर तुलसी को दर्शन करते हुए गए, प्रणाम करते हुए गए, क्योंकि तुलसी में भगवान के निवास है, वो तुम्हारी कहाँ बन जाए? उनका दर्शन मात्र से जिनका वो कल्याण, केवल दर्शन हो गया तुलसी, बस कृष्ण दर्शन और वृंदावन के दर्शन हो गया। दृष्टवा केवल दर्शन से कल्याण कर, जब स्पर्श करते हैं, इसलिए गले में हम ये तुलसी कंठी धारण करते हैं, स्पर्श करता है ना। जब हम स्नान करते हैं इसका पानी सारा शरीर में जाती है। पुराण में बताया गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी है, कभी जितने सारे तीर्थ में तुम्हारी स्नान हो जाता है। जब गले में कंठी धारण करते हुए स्नान करो, इसलिए केवल गले का स्पर्श करते ही ये हमारे शरीर को ये पवित्र कर देती है। जब तू जब महाराज दूतों को कह रहे हैं, बोले देखो खबरदार जिसकी गले में तुलसी कंठी देखोगे ना, उनको दूर से प्रणाम करना, समझ जाना कि भगवान की भजन करने वाले भगवान की भक्त हैं, उनको प्रणाम करना है। केवल गले में तुलसी कंठी रहेगा तो वो कभी जमपुरी कभी नहीं जाएगी है, जब तो कभी उसको ले ही नहीं सकते। इतने शक्ति ये तुलसी कंठी में दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता। अगर तुलसी को ध्यान करो, पहले मैं बता रहा था ना, गुरु जी कहते थे हरिनाम कर रहे मन तुम्हारी चंचल हो रहा है, मन तुम्हारे हरिनाम में नहीं लग रहा है, क्या करनी चाहिए? बोले तुलसी वृक्ष के सामने रह करके उसको माला लेकर के हरिनाम जप करो, देखना मन अपने आप शांत हो जाएगा। बोले क्यों? बोले तुलसी की साक्षात भक्ति देवी और भगवान इसकी निवास है। इसलिए दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता, जैसे तुलसी की महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें भी कल्याण है। नमिता तुलसी को प्रणाम करना, हम रोज कथा के बाद में बोलते हैं ना वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सज कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतरी नमो नमः। हम सबके सब तुलसी को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए प्रणाम को द्वारा भी जीव का कल्याण करता है। नमिता श्रुता रोपिता, अगर कोई तुलसी वृक्ष को रोपण करता है, पंडित जी ध्यान से सुने, अगर कोई तुलसी वृक्ष को केवल रोपण करता है लगाता है, बल्कि जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष को लगाता है ना, तुलसी वृक्ष नहीं लगा रहा है, बल्कि क्या कर रहा है,
बोले अपना हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बीज बो दिया, बोले तुलसी वृक्ष लगाना बड़ा पुण्य है, बड़ा महत्व तुलसी वृक्ष की सेवा करना। तक राधा रानी कृष्ण को कैसे प्राप्त की, पुराण में कथा आती है, इन्होंने ये तुलसी की सेवा करके राधा रानी उसने कृष्ण को उन्होंने प्राप्त की, ऐसे ये तुलसी वृक्ष कितने महिमा। इसलिए रोपिता नमिता सुता तुलसी सुखा, इसलिए कहते जो हरिनाम है कैसे करनी चाहिए, तुलसी की माला में हरिनाम करनी चाहिए। क्यों, जब यह हार ये तुलसी माला को स्पर्श करता है अपने आप हृदय में दिव्य शक्ति को संचार करता है, अपने आप दिव्य शक्ति हृदय में संचारित होता है। इसलिए नियम है तुलसी माला में ही हरिनाम करनी चाहिए। तब फिर तृतीय प्रश्न करते हैं, पहले भगवान के नाम में कितना हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान का नाम तो बहुत सारे नाम है लेकिन उन्हीं नाम में सबसे मधुर नाम कौन सा नाम, नाम में सबसे मधुर नाम कौन सा नाम है। तब यहाँ पर शंकर पार्वती की संवाद आती है, शंकर जी को पार्वती प्रश्न करते बोले प्रभु कौन सा नाम को मैं जप करूं। शंकर जी कहते पार्वती बोले आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम, बोले हे पार्वती जितने भगवान के नाम है भगवान विष्णु का जो नाम है ये सर्वश्रेष्ठ नाम। तभी पार्वती रोज विष्णु का 1000 नाम है, रोज 1000 नाम को जप करते। कुछ दिन बाद में शंकर जी फिर बोले बोले पार्वती विष्णु नाम से भी एक नाम श्रेष्ठ है, बोले प्रभु कौन सा नाम है, बोले राम रमति रमति रम रमी मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्लम श्री राम नाम बरारी। माँ पार्वती बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी है, बोले हे पार्वती जो विष्णु सहस्र नाम को अगर कोई एक बार विष्णु सहस्र नाम बोले मतलब 1000 विष्णु का नाम कोई ग्रहण करे, अगर एक बार केवल श्री राम का नाम अगर कोई एक बार ले लिया एक राम नाम समान 1000 विष्णु नाम। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते प्रियवानी जापी जय प्रिय भवानी। शंकर जी पार्वती को इतना क्यों प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए कारण क्या बोले कारण है सहसा नाम सुने प्रियवानी। जब उन्होंने ये ना राम की महिमा को सुने ना फिर तो पार्वती श्री राम का नाम को फिर उन्होंने जप करना शुरू कर दिया। इसलिए ये राम के नाम को जप करती है इसलिए शंकर जी पार्वती को इतना प्रेम करते हैं, ऐसे ही प्रेम कर लेते हैं, इसलिए सिखा देते हैं। तब भी पत्नी को प्रेम करनी चाहिए अगर पत्नी भगवान की भक्ति करती है, तब भी पति को प्रेम करनी चाहिए अगर पति भगवान की भक्ति करता है, अगर भक्ति नहीं करता ना प्रेम से बेकार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजियो कोटि वही समझ यद्यपि परम स्नेह। जब मीरा ने तुलसीदास के पास में पत्र लिखे बोले प्रभु जी मेरे परिवार के सारे लोग मेरे विरोध हो गए हैं, सब लोग मेरे विरोध हो गए, अब विरोध हो करके अभी सबके सब विरोध ही कर रहे हैं, मुझे क्या करनी चाहिए। तो वो प्रश्न उत्तर देते हैं जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजियो कोटि वही समझ यद्यपि परम स्नेह। यद्यपि तुम्हारी परम स्नेह की पात्र है अगर प्रभु की भक्ति नहीं करते ना उसको करोड़ शत्रु मान करके त्याग दो, उसको त्याग दो है। तब वो उदाहरण देते हैं प्रह्लाद ने अपना पिता को त्याग दिया, गोपियों ने अपना पति को त्याग दिया, विभीषण ने भैया को त्याग दिया, शुक्राचार्य को बलि ने गुरु को शुक्राचार्य त्याग दिया है, त्याग दिया, और
और भरत ने अपना भैया को उन्हें त्याग दिया और इनकी जगत में इनकी कल्याण की है। इसलिए शंकर जी पार्वती के इतने प्रेम करते हैं, पार्वती जैसे श्रोता है ना, कि पार्वती वैष्णव है ना, और शंकर जी वैष्णव है और पार्वती वैष्णव है, दोनों ही परम संत हैं और दोनों बैठ कर दिन रात हरि चर्चा भगवत कथा में दिन रात दोनों डूबे रहते हैं। इसलिए जितने सारे पुराण हैं, जितने सारे पुराण किसके हैं, बोले शंकर पार्वती के संवाद, जितने सारे पुराण शंकर पार्वती का ये संवाद है। इसलिए उस दिन माता पार्वती भगवान राम के नाम जब की, कुछ दिन बाद फिर शंकर जी बुलाए, बोले पार्वती यदि राम नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है, बोले प्रभु कौन सा नाम है, बोले सहस्रा नाम नाम पुण्या नाम त्रिरा विद्वा तु जत फलम एक विद्वा तु कृष्णस्य नामैकता प्रजच्छति। बोले पार्वती ये जो विष्णु सहस्र नाम अगर कोई तीन बार बोले, मतलब 3000 विष्णु का नाम कोई ले, अगर कोई एक बार केवल कृष्ण का नाम ले ले, एक कृष्ण नाम समान 3000 विष्णु का नाम, मतलब एक कृष्ण नाम समान 3 बार राम का नाम लेने में जो फल मिलेगा, और एक 3000 विष्णु का नाम लेने पर जो फल मिलेगा, एक बार कृष्ण नाम से वही फल मिलेगा। बोले क्यों, बोले जो कृष्ण है पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये कृष्ण ही और ये 16 कला में परिपूर्ण ये कृष्ण ही। पार्वती बोले प्रभु फिर तो हम कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण बोलो। बोले हाँ पार्वती कृष्ण परिपूर्ण ही पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। जब उसने कुछ दिन तक उन्होंने नाम लिया ना कृष्ण का नाम, एक दिन शंकर फिर पार्वती को बुलाए, बोले पार्वती आज तेरे में एक रहस्य बात बता दू, बोले ये कृष्ण नाम से ही एक श्रेष्ठ नाम। बोले प्रभु आप ही तो कुछ दिन पहले बता रहे थे कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन 16 कला में परिपूर्ण और इतने 400 कलापों से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप ही तो बता रहे थे कृष्ण स्वयं भगवान है, फिर कैसे बता रहे हो उनसे भी श्रेष्ठ नाम है। बोले मैंने थोड़ी बता रहा हूँ, बोले किसने बताए, बोले ये कृष्ण चंद्रमा को बताए। बोले क्या बताए, बोले मम नाम सत्यनाम, कृष्ण कह रहे हैं राधा नाम सदोतम जा करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीर्तम। बोले पार्वती चंद्रमा अगर मेरे नाम को एक सवाल है और श्री राधा रानी का नाम तो एक बार राधा जी का नाम ले लें, एक राधा रानी का नाम कृष्ण का 100 नाम के साथ में बराबर, इसलिए आप वृंदावन जाओ ना, इसलिए किसी को भी आप कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा वहां पर, क्या बोलते हैं सबके सब, और जोर से बोलो और जोर से, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का नाम ग्रहण करते हैं, क्योंकि 100 कृष्ण नाम समान एक राधा जी की नाम के बराबर है। इसलिए हम लोग तब पार्वती बोली प्रभु फिर तो दिन रात राधा ही राधा ही राधा ही राधा ही बोलते रहे, दिन रात राधा ही राधा ही बोलते रहे। बोले पार्वती इसमें भी एक रहस्य, बोले फिर क्या रहस्य, फिर रहस्य क्या है, आप बोला ना कृष्ण का 100 नाम समान है एक राधा जी का नाम है, फिर इसमें हमारा क्या रहस्य है। बोले राधा, बोले देखो पार्वती अगर तुम राधे राधे बोलोगे ना फिर क्या होगा, कहते ना राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, वहां पर राधा जी नहीं आएगी, वहां पर सिर्फ बिहारी जी आएगी। बोले भाई, बोले अगर तुम बिहारी जी बोलोगे ना वहां पर सिर्फ राधा रानी आएगी। बोले प्रभु आप तो बड़े कंफ्यूज में डाल दिए, अभी बताओ राधे राधे बोलो ना कृष्ण कृष्ण बोलो, अभी राधे राधे बोलो ना कृष्ण कृष्ण बोलो। बोले दोनों का नाम जुगल नाम लेने चाहिए। बोले जुगल नाम क्या है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम।
श्री राधा जी का नाम कृष्ण मतलब ये कृष्ण है, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधा जी के नाम से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृष्ण नाम से श्री राधा रानी खुश हो जाती है ना? इनके नाम में वो प्रसन्न उनका नाम है ये प्रसन्न, दोनों का नाम से ही ये प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहते जितने मधुर नाम हैं, जितने मधुर नाम हैं तद सर्वश्रेष्ठ जो मधुर नाम है ये हरे कृष्ण महामंत्र है। इससे मधुर नाम और दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र को आप लोगों ने एक ग्रंथ पढ़े होंगे, हमारे गुरुदेव ने एक ग्रंथ निकाली है जो हरिनाम की महिमा, पढ़े कि नहीं? जरूर वो ग्रंथों को आप लोगों पढ़ लेना, जो पढ़े तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े वो ग्रंथों को मिलता है आप पढ़ लेना। इन्होंने जो हरे शब्द है ये हरे शब्द को उन्होंने बत्तीस तरह का अर्थ बताया। केवल ये हरे जो शब्द 32 तरह का मीनिंग है और जो कृष्ण को इसका उन्होंने 16 तरह का मीनिंग बताया और इसमें जो राम है इसको भी 16 तरह का मीनिंग बताया है। इसलिए बड़ी मधुर, इसलिए श्री जीव गोस्वामी के हरिनाम के ऊपर व्याख्या की, गोपाल भट्ट गोस्वामी के हरिनाम के ऊपर व्याख्या की है, या श्री भक्तिविनोद ठाकुर की हरिनाम के ऊपर व्याख्या की, हरे कृष्ण ही हरे का मतलब क्या, कृष्ण मतलब क्या, अद्भुत व्याख्या की। एक तो ऐश्वर्य वर्ग व्याख्या है और इसका एक माधुर्य वर्ग व्याख्या, एक ऐश्वर्य और एक माधुर्य वर्ग व्याख्या, दो तरह का व्याख्या वो ग्रंथ में गुरुदेव ने अपूर्व रूप में एक ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया है। आप लोग ग्रंथों को जरूर वो ग्रंथों को पढ़ना। लेकिन इस साधारण रूप में कैसे हम ये हरिनाम को करें, हमारे हृदय में बड़ा अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह से अभी भरा भरा हुआ है हाँ? लेकिन ये हरिनाम का जो व्याख्या है जिसको जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े श्रृंगार रस पर किया है, बड़े श्रृंगार रस पर कैसे जुगल सरकार निकुंज में कैसे विलास करते हैं, राधा कृष्ण कैसे विहार करते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची भावना वहाँ पर बताए। लेकिन अभी हम लोग साधारण साधक हैं, अभी हमें कैसे ये हरिनाम को लेनी चाहिए। ये जितने जो हरे कृष्ण महामंत्र आप लोग संस्कृत पढ़े हो, कौन कौन संस्कृत पढ़े हो, थोड़ी बहुत कौन कौन संस्कृत पढ़े थोड़े पढ़े हो, इसलिए जो संस्कृत पढ़े हैं ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ये एक श्लोक है। यदि ये श्लोक में जितने शब्द है ये संबोधनात्मक शब्द है, जैसे आप लोग जो श्लोक पढ़े होंगे जैसे राम राम रामा 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 रामा
उसको बात में संबोधन नहीं है, इसलिए वो संबोधन में हो जाता है हे राम हे राम। उस पर कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा उसमें संबोधन में हो जाता है हे कृष्ण। इसलिए उसने कृष्ण जो एक श्लोक है जो संस्कृत में पता चलेगा, ये जितने ये महामंत्र में जितने नाम है ये संबोधन करेंगे। संबोधन मतलब क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को हम संबोधन करके स्वागत करके उनको हैं हम बुलाते हैं, उसी तरह के जो नाम है ये सबके सब ये संबोधन शब्द है हैं, मतलब हे हरे मतलब हे राधे, हर कृष्णा मतलब हे कृष्णा। इसलिए अभी हमें जो हरि नाम करने चाहिए कैसे करने चाहिए, बोले हे राधा रानी हे कृष्णा हम आपकी ही संतान हैं, लेकिन आपको भूलने का वजह से हम इसी संसार में आकर के ये 84 लाख जन्म में हम भटक रहे हैं, 14 ब्रह्मांड और 84 लाख जन्म में हम भटक रहे हैं। इसलिए पुनः आप कृपा करके अपने चरण की हमें सेवा प्रदान करो। इसलिए हरिनाम करते समय मैंने देखा है हमारे जो गुरुदेव है भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, मैंने देखा गुरुदेव जब हरिनाम करते थे ना एकदम सवेरे सवेरे उठ जाते थे, 3:30 बजे उठ जाते थे, बैठ करके अपना हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
हृदय से पुकार पुकार करके हे राधे हे कृष्ण आप हमारे पर भी कृपा करो, अपने चरण की हमें सेवा प्रदान करो। इसलिए रो रो करके क्या करनी चाहिए हमें, रो 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 करके, इसलिए कहते रोना सीखो। इसलिए भक्ति विदान पावन गोसाई महाराज ने बोल रोना सीखो, जब तक नहीं रोगे ना तब तक ठाकुर का कृपा नहीं। इसलिए हरिनाम रो रो करके एक जगह पर बैठ करके देखना, कभी उन लोग हरिनाम तो भूल से किया लेकिन कुछ दिन बाद माला भुला छोड़ छोड़ दिया, माला कहाँ और भाग कहाँ, अनुभूति नहीं हुई। बोले क्यों, इसे हरिनाम में दोष ना हमारे अंदर में दोष होता हो, हरिनाम में दोष ना हमारे अंदर में दोष है, हमारे अंदर में दोष हो। अगर आप सच दिन से एक जगह पर बैठ करके आंखों से आंसुओं का बहाते हुए अब हरिनाम करो, अब हरिनाम करो, आपके हृदय में ऐसे एक दिव्य अनुभूति होगी, आप जिंदगी में दुनिया को छोड़ दोगे, क्योंकि दुनिया एक दिन तुमसे छूटेगा ही, छूटेगा कि नहीं, एक दिन ये दुनिया तुमसे छूटेगा ही है, तुम नहीं छोड़ने पर तुम्हें दुनिया छोड़ देंगे, दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, दुनिया छूटेगा लेकिन भगवान नाम कभी नहीं छूटेगा। इसलिए अंतिम समय आने पर जो चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएगी, क्या बोलते बोलते ले जाते, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात छूटा है बेटा, जितने हरि नाम किया ना तेरे साथ वही जा रहा है, और जो कुछ किया तुमने झूठे भी बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है, पत्नी जाएगी तो रो रो करके दरवाजा तक जाएगी उसको आगे नहीं जाएगी, परिवार जाएगी तो शमशान तक जाएगी उसको आगे कोई नहीं जाएगा, आगे किया जाएगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोल का दी मेरे सदगुरु कृपा करे अपना राम रतन धन पायो। इसलिए साथ में क्या चलेगा, भगवान के नाम। इसलिए क्या करनी चाहिए, नहा धो कर कुछ समय बैठो ठाकुर के सामने है, कुछ समय बैठ करके आंखों से आंसुओं का बहाते हुए हरि नाम करो, तभी जाकर के अनुभूति होगी, नहीं तो ऐसे चलते फिरते हरे कृष्ण इधर आ जाओ राम 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 तो क्या, ऐसे हरिनाम करने से वो नाम अपराध भी हो जाता है, नाम अपराध हो जाता है, है? इसलिए कुछ समय बैठ करके हृदय से रो रो करके हृदय से बार बार करके भगवान के नाम लो। इसलिए ब्याह कहते हैं ना, दीन दीन बड़ा तरस पायो पायो जी मैंने राम रतन धन। दुनिया के सारे बिजनेस खत्म हो सकती हैं, तुम किसी बिजनेस में फेल हो सकते हो लेकिन किसी बिजनेस में अभी कोई फेल नहीं हुए, सब के सब सक्सेसफुल हुए, सब के सब इसमें सक्सेसफुल हुए, अभी तक कोई भी फेल नहीं हुए, कोई फेल हुए मीरा ने फेल हुई, तुलसीदास जी फेल हुए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रभुपाद कोई फेल हुए, हमारे गुरु जी कोई फेल हुए, ये बिजनेस में कोई फेल नहीं हुएंगे, इसमें सब के सब सक्सेसफुल हुएंगे हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं हरिनाम कैसे करनी चाहिए, हरिनाम तुलसी माला में हरिनाम करनी चाहिए, क्योंकि उसको स्पर्श करते ही हृदय में एक दिव्य शक्ति की संचार होती है, दिव्य शक्ति संचार, इसलिए तुलसी माला में करनी चाहिए। फिर यहाँ प्रश्न करते हैं ये संख्या रख करके क्यों हरिनाम करें, और जितना होगा उतना करो ना, पर ये संख्या रख करके हमारे नाम करने का हमें क्या जरूरत है, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो हमें पता नहीं क्या क्या प्रश्न करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर श्री ब्रजनाथ जी है विजय कुमार सिंह बाबा जी महाराज को प्रश्न कर करके सारे उत्तर को वो निकाल लेते, सारे प्रश्न का उत्तर वो निकाल लेते, बोले जब इच्छा तो उसे कर लेना जब, पर ये संख्या करके इसलिए महाप्रभु बोले ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। इसलिए प्रभु बोले कैलाम यही महामंत्र, महाप्रभु बोले तुमको मैंने ये महामंत्र दिया है, क्या
करो यह जप किया सबे भरिया निर्बंध नियम करके संख्या रद्द करके हरिनाम करो है। अभी प्रश्न है हमें ये संख्या रद्द करके हरिनाम क्यों करे कार्य किया है, इसलिए इसका जो उत्तर है ना फिर हम लोग कल सुनेंगे, इसका उत्तर हम लोग ने कल सुनेंगे कि संख्या रद्द करके हमें हरिनाम क्यों करनी चाहिए। ठीक है, समय हो गया है 9 बजे, इसलिए कल सुनेंगे। ठीक है ना, कल सुनेंगे, करने तो भक्त लोग भाग जाएंगे, इससे सब पीछे से भाग जाएंगे। ठीक है, फिर कल हम सुना। बल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सब पीछे पीछे बोलो, भाग जाएंगे। Thank you.